यहाँ पे लिखा, मतलब इससे आप यही समझ सकते हैं कि हमको जॉब मिलने वाला है अपना ही एरिया में। मतलब अगर सर खड़गपुर के हैं तो आप खड़गपुर में ही काम कर सकते हैं, कोई मिदनापुर के तो कोई मिदनापुर में काम कर सकते हैं, कोई मालदा से है तो मालदा में काम कर सकते। मतलब आपका इच्छा आपका चॉइस। अदरवाइज क्या होता है, कहीं जॉब करेंगे तो आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, नहीं आपको वहां पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, कंपनी तो है लेकिन ये यहाँ पे नहीं। आपका इच्छा आपका पसंद, आप जिस एरिया में चाहे जहां आप रहते हैं, जहां पे आपका पगल है उस जगह में ही आप काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है और ये टोटली सोशल वर्क है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है टोटली सोशल वर्क है। प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूचर बेनिफिट लाइफ सिक्योर योजना। ये जो योजना है इसका नाम है फ्यूचर बेनिफिट लाइफ सिक्योर योजना। इस योजना का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। हर एक चीज नाम में छुपा होता है उसका काम, कि रियली में वो क्या काम करता है। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, आने वाला कल, है ना। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, जो चला गया वो नहीं। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अब किसको मिलेगा उसके बारे में डिटेल्स करेंगे। लाइफ सिक्योर और टोटल लाइफ भी आपका सिक्योर किया जा रहा है। तो इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग के फ्यूचर के लिए ही ये प्लानिंग है, चाहे वो हमारे मेंबर बने, चाहे हमारे एसोसिएट बने, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयज बने उनके लिए। तो अब इसमें देखिए क्या है, अब दिखाते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने आपको पहले ही दिखाया, ये रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, 27/9/2018 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया है, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। नीति आयोग क्या होता है, ये गवर्नमेंट का साइड है जहाँ पे आपको अगर सही एनजीओ है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये एमएसएमई सबको पता है, एमएसएमई जो है मीडियम उद्योग आधार का जो बिजनेस होता है वो सबको एमएसएमई में रहना पड़ता है। 12 का यूनिक रजिस्ट्रेशन, 80G रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन। 12 का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है या नहीं, बोलिए है या नहीं। हाँ तो बोलिए, तब तो मेरे को भी इंतजार आएगा नहीं। 12 का मतलब होता है ये एनजीओ के लिए ही होता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि एनजीओ में फंड बहुत आते हैं और हर जगह से आते हैं। अगर आपका एफसीआर किया हुआ तो विदेश से भी फंड आ सकता है डोनेशन, अगर आप सीएसआर का फंड लेता है तो कंपनी से फंड आ सकता है, या आप मार्केट से फंड राइज कर सकते हैं, या कोई भी इंसान पैसा दे सकता है टैक्स बचाने के लिए। तो उस वक्त जो डोनेट कर रहे हैं तो देखिए बोलते क्या, बुन बुन तालाब भरता है, ऐसा होता है ना, सुने ना कि बुन बुन तालाब भरता है। तो आप 10-10 रुपया करके भी लेके आएंगे तो एक दिन आने वाला कल में करोड़ों रुपया होगा। ये एकदम जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। उस वक्त क्या होगा, अभी देखेंगे जब ज्यादा पैसा आपके पास हो जाता है तो सरकार का नजर उसके ऊपर में होता है किसका इतना पैसा कहाँ है, और ईडी का छापा लगता है। जो भी बहुत जगह छापा चल रहा है, नेता मंत्री बड़ा बड़ा फिल्म स्टार वगैरह सबको, ये जो जहां पैसा ज्यादा नजर आएगा उसके पीछे गवर्नमेंट लगता है। लेकिन एनजीओ के फंड में अगर आपका 1-2 करोड़ में 1000 करोड़ भी रखा हुआ है तो एनजीओ को पूछने के लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी पैसा कहां से है, तो पता है ये डोनेशन का ही पैसा है। तो इसलिए 12 में रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो कोई भी पैसा होता है उसके ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स लेता है, यहाँ पे उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो डोनेशन का पैसा है। और 80G का मतलब होता है कि जो लोग डोनेट करेंगे उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, माने टैक्स में छूट मिल जाएगा। सीएसआर फंड जो होता है वो कंपनी का फंड होता है, और कंपनी जो इंडिया की जो कंपनी है, मल्टी लेवल जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनियां जो होती है, हर एक कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि आपके अपने प्रॉफिट का 2% एनजीओ को देना होगा। ये बात पता है या नहीं, अगर पता नहीं है तो डेट में सर्च कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे। तो गवर्नमेंट भी हम लोग का साथ है, क्योंकि गवर्नमेंट साथ है तभी तो बोल रहा है कि अगर कोई इनकम कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है कोई कंपनी, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको अपने प्रॉफिट का एनजीओ को देना पड़ेगा। और जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस हो, टाटा हो, बजाज वगैरह, बहुत सारी कंपनियां हजार हजार करोड़ का प्रॉफिट होता है, सिर्फ करोड़ नहीं, हजार लाखों हजार करोड़ का प्रॉफिट होता है,
वहां से जब 2% निकाला जाता है तो पता नहीं कितना करोड़ होता है और वो एनजीओ को बांटा जाता है। कौन सा एनजीओ को देते हैं? जो एनजीओ रियली में वर्क करते हैं, क्योंकि सीएसआर फंड उसी को मिलता है जो रियली में फील्ड में काम करेंगे। वो दिखाएंगे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं इस तरह का डेवलपमेंट किया, उस तरह का डेवलपमेंट किया, प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, फिर उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जैसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ से पैसा मिलता है। होता ना गवर्नमेंट एनजीओ को फंड आता है, फंड आता कहाँ से, फंड देता कौन है? गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आप लोग को पता ही है कि गवर्नमेंटी काम कैसा होता है। मतलब लोग सोचते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट, खाने वाला बहुत है बीच में। एक प्रोजेक्ट लेने के लिए वो बोलेगा मेरा इतना मार्जिन रख दो, वो बोलेगा मेरा इतना मार्जिन रख दो, वो बोलेगा इतना मार्जिन, फिर भी पैसा फंड मिले कि नहीं मिले उसका गारंटी नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया सीएसआर फंड गवर्नमेंट के, ताकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर वो काम करती है बढ़िया प्रॉफिट करती है तो वहां से 2% निकाल के एनजीओ को देना। उसी तरह हम लोग भी, जो मेरा खुद का कंपनी है और ये फंड निकाल के हम लोगों ने लगभग 4 साल तक काम किया एनजीओ के ऊपर में। जैसे कोरोना के समय सबको पता है कि कितना सारा प्रॉब्लम हुआ, पूरा देश पूरा दुनिया प्रॉब्लम में फंस गया, लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लिए पैसा नहीं है, घर से नहीं निकल पा रहे, जगह जगह कैंप लगाया जा रहा है खाने के लिए, जगह जगह लोग जो काम करने वाले फील्ड में वो लोग अपना कर रहे हैं। हम लोग का भी हम रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, आज तो दुनिया ऐसा हो गया जो डिजिटल हो गया। पहले के ज़माने में 15-20 साल पहले लोग किसी को पता नहीं था क्या हो रहा नहीं हो रहा, बाजू वालों को पता नहीं होता, लेकिन आज एक छोटा सा कांड होगा और इस तरीके से सोशल मीडिया में फटेगा कि सुबह में कांड होगा शाम तक देखेंगे लाखों लोग देख लिए, ये होता ही नहीं होता। सोशल मीडिया का पावर तो सभी को पता है, क्योंकि आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चैनल्स है जो मतलब घंटा दो घंटा में लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं अगर कुछ ऐसा चीज होता है। तो आजकल कोई भी चीज छुपता नहीं,